भजन संहिता 121। परमेश्वर हमारा रक्षक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंगेगा न सोएगा। यहुआ तेरा रक्षक है, यहुआ तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहुआ सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहुआ तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने रात भर संभाला प्रभु जी, और एक नई सुबह को प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जोड़ा परमेश्वर। इस बात के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर प्रभु जीवित रखा है प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। न जाने कितने लोगों ने मेरे पिता आज की सुबह को नहीं देखा परमेश्वर, पर प्रभु ये तेरा अनुग्रह और तेरी दया है मेरे परमेश्वर कि आज की सुबह को परमेश्वर आपने हमें दिखाया परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर पिता, आज तेरे जीवित वचन के अनुसार प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता सच में आप आदर और महिमा के योग्य प्रभु हैं पिता, आपका प्रेम अगापे है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप प्रभु इस धरती पर प्रभु हमारे पापों के लिए आए प्रभु, और पिता आपने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया है पिता। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं अपने मन से परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। प्रभु जी सच में तू धन्य है, तू महान है प्रभु, और प्रभु तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद कि तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया परमेश्वर, और हमसे प्रेम किया पिता। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तो परमेश्वर दुनिया के पाप में गिरे थे परमेश्वर, पर प्रभु तूने हमें पापी नहीं देखा प्रभु, पर पिता आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया और हमसे प्रेम किया पिता। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जो लोग प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु मुसीबत में है प्रभु, विपत्तियों में है परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी हर एक विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा पिता। तेरे जीवित वचन के अनुसार प्रभु कि पिता उनकी विपत्तियों को आप दूर करें मेरे पिता परमेश्वर, हर एक वो विपत्ति यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से चली जाए तेरे वचन के अनुसार पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पिता अपने अपनी बीमारियों में है प्रभु जी, और प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर वो अपनी बीमारियों में पड़े हैं परमेश्वर, आप प्रभु जी उनको उनकी बीमारियों से प्रभु जी राहत दें प्रभु जी, आप उनको उनकी बीमारियों से छुटकारा दें प्रभु, क्योंकि पिता कोई भी बीमारी उनके ऊपर प्रबल ना होगी पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ हानि नहीं होने दूंगा पिता परमेश्वर। आप प्रभु किसी भी बीमारी से प्रभु उनकी हानि ना होने दें, वरन प्रभु उस बीमारी पर परमेश्वर उन्हें विजय दें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता उन लोगों के लिए प्रभु, जो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु, और जिस काम के लिए भी प्रभु घर से निकलते हैं प्रभु, आप पिता उन्हें प्रभु हर एक रास्ते के खतरों से प्रभु, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटना से परमेश्वर पिता आप उन्हें बचाएं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में प्रभु जो लोग प्रभु अपने जीवन में सहायता चाहते हैं प्रभु, अपने जीवन में मदद चाहते हैं परमेश्वर, जिनका विश्वास तो जीवित परमेश्वर पर है प्रभु, आप उन्हें प्रभु सहायता दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मुझे तो सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु जी आप उन लोगों के लिए अपने जीवित वचन के अनुसार सहायता को दीजिए प्रभु, आप उनकी मदद कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो अपने जॉब के लिए निकलते हैं प्रभु घर से परमेश्वर,
आप उनकी सहायता करें प्रभु, जो अपने घर के हर एक काम के लिए घर से निकलते हैं प्रभु जी, कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं परमेश्वर, आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। रास्ते की हर एक विपत्ति यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर चली जाए प्यारे पिता। प्रभु जी जो अपने घर परिवारों में परेशान है प्रभु, जिनके घर पे विपत्ति आ गई है प्रभु जी और है प्रभु, हमेशा बनी है पिता परमेश्वर, पिता हम प्रार्थना करते हैं आप उनको उनकी विपत्तियों से छुड़ाए प्रभु, क्योंकि आप उनके रक्षक हैं परमेश्वर पिता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि आप प्रभु जी आपकी कान हमेशा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं परमेश्वर। आप ऐसे प्रभु हैं प्रभु जो पिता कभी सोता नहीं प्रभु और कभी ऊँगता नहीं है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी कान हमेशा तेरे लोगों की दुहाइयों पर लगे रहते हैं मेरे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो अपने जीवन में परेशान है प्रभु, आप उनकी परेशानियों से पिता आप उन्हें राहत दें परमेश्वर, पिता आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें प्रभु, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है यीशु, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।